Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important and confusing concept, you can say, that is measurement, assessment and evaluation in education, or educational measurement, educational assessment and educational evaluation. Okay. सो लेट स्टार्ट. पहले भी मैं आपसे एक बार एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन डिस्कस कर चुकी हूँ, बट वहाँ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन था जिसमें हमको कंट्रास्ट अंतर समझ में आता है. हम नहीं भी जानते हैं बहुत विशेष रूप से, तो हम ये जानते हैं कि मेजरमेंट कुछ कमतर है, कुछ नैरोअर आस्पेक्ट का मेजरमेंट है, और इवेल्युएशन ब्रॉडर है. मेजरमेंट में आप क्वांटिटी के हिसाब से बात करते हैं, इवेल्युएशन में क्वालिटेटिव बात करते हैं, इतना हम जानते हैं. पर जो कन्फ्यूजिंग एलिमेंट है वो असेसमेंट है, जिसको हम बेहतर नहीं जानते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए तो शायद एट रैंडम आप नहीं बता पाएंगे कि असेसमेंट और इवेल्युएशन में क्या अंतर है. मेजरमेंट और इवेल्युएशन तो हम समझते हैं, इसलिए मैं ये दोबारा से मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन अपने आप को भी और आपको भी और क्लियर करने के लिए कह रही हूँ. ओके, तो समझिए और याद रखिए ताकि आगे से गलती नहीं होगी. तो मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट मापन. आपके स्केल से नापते हैं, इंची टेप से नापते हैं. मेजरमेंट नाप के बताना है उसका मान कितना है अंकों में, लंबाई इतने सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतने किलोमीटर है, आपका व्यास इतना है, आपका वजन इतना है, मतलब जो भी एट्रीब्यूट है जिसका हम मापन करने जा रहे हैं, जिसको हमको जिसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, उसको अंक देना मेजरमेंट है. जैसे कि जेपी गिलफर्ड डिफाइन करते हैं मेजरमेंट को, असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट और इवेंट अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स इज कॉल्ड मेजरमेंट. यानी कि हम किसी वस्तु या घटना को अंक देने जा रहे हैं, असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स, अंक देंगे और अपने मन से नहीं देंगे, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, उसके पीछे भी कोई नियम होंगे, यही मापन है. और मेजरमेंट जो है वो असेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. मेजरमेंट हैज द फीचर्स ऑफ क्वांटिफिकेशन. जब भी मेजरमेंट की बात होगी तो क्वांटिफिकेशन की बात होगी, एब्स्ट्रैक्शन की बात होगी, एंड फर्दर एनालिसिस दैट आर टिपिकल इन साइंस. मतलब आप चूंकि साइंस में भी क्वांटिफिकेशन की बात होती है, ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है, तो मेजरमेंट का साइंस में बहुत यूज है, और हम लोग जानते हैं जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम उसमें मेजरमेंट करते हैं. ननली ने भी डिफाइन किया 1970 में मेजरमेंट को इस तरह से कि कंसिस्टिंग ऑफ रूल्स. ये भी रूल्स की बात कर रहे हैं कि कुछ रूल्स होंगे, उनके तहत आप ऑब्जेक्ट्स को नंबर देंगे और इस तरीके से देंगे टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिससे हमको ये पता चल जाए कि उस एट्रीब्यूट या वो गुण जिसका हम मापन करने जा रहे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी है, उसमें कितनी मात्रा है ना. और मेजरमेंट और क्या है, इज यूज टू क्वांटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की विशेषताओं को अंक देने का काम मापन का है, और क्वांटिफिकेशन हमको बार बार हमको ऐसा लगता है कि क्वांटिफिकेशन नैरोअर है, लेकिन क्वांटिफिकेशन की भी अपनी महत्ता है. बिना क्वांटिफिकेशन के आप क्वालिटी किसी की नहीं बता सकते. तो क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स हैज एडवांटेजेस, यानी कि जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनके जो हमको अंकन से कुछ लाभ होते हैं. कौन से लाभ? कि क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ दैट एट्रीब्यूट प्रेजेंट. कि हमको कोई विशेषता या एट्रीब्यूट का जब क्वांटिफिकेशन हो जाता है, जब हम उसको उसकी मात्रा के बारे में बात कर लेते हैं, वो ये सुनिश्चित करता है कि वो एट्रीब्यूट या वो गुण कितनी मात्रा में प्रेजेंट है. पहली बात तो ये. दूसरी बात, क्वांटिफिकेशन फैसिलिटेट्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. यानी कि जो क्वांटिफिकेशन है, जो मात्रात्मक गुण है, वो ये सुविधा प्रदान करता है कि हमको सही सटीक सूचना मिल रही है. क्वांटिफिकेशन अलाउज ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स. जब हम क्वांटिफिकेशन कर लेते हैं तो दो समूहों के बीच में हम वस्तुनिष्ठ तरीके से तुलना कर सकते हैं. एंड क्वांटिफिकेशन रिजल्ट्स मेक द डेटा पॉसिबल फॉर फर्दर एनालिसिस. और क्वांटिफिकेशन ही हमको इस योग्य बनाता है कि हम आगे के विश्लेषण के लिए उस डेटा या उस आंकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, तो ये रहा मेजरमेंट. अब असेसमेंट, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग है, जो कि हम बेहतर नहीं समझते. और देखिए, आप अभी आगे आपको बताऊंगी कि असेसमेंट और इवेल्युएशन कैसे दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं. बट इवेल्युएशन को तो हम जनरली जानते हैं, बट असेसमेंट को नहीं जानते. असेसमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वेरियस इंफॉर्मेशन नीडेड टू कम अप विद ओवरऑल इंफॉर्मेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स एंड पर्पसेस इज रेफर्ड टू एज असेसमेंट. मतलब प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वेरियस इंफॉर्मेशन, यानी कि हमको बहुत तरीके की सूचना एकत्रित करनी है. असेसमेंट क्या है? एक असेसमेंट को अप्रेजल भी कहते हैं ना. असेसमेंट का मतलब एक लाइन में क्या है कि जो वस्तु स्थिति है
उसके बारे में आपको जानकारी दे देना। अब वस्तु स्थिति यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट की लर्निंग की वस्तु स्थिति। अब स्टूडेंट की लर्निंग की वस्तु स्थिति कैसे पता चलेगी, जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो असेसमेंट अपने आप में मेजरमेंट को समाहित किए हुए है, तो द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग यानी कि वो प्रक्रिया है जिसमें हम एकत्र करते हैं, क्या एकत्र करते हैं, वेरियस इंफॉर्मेशन, बहुत तरीके की सूचनाएं एकत्रित करते हैं। क्यों एकत्रित करते हैं, जिससे कि हम ओवरऑल इंफॉर्मेशन हासिल कर सके जो कि ये बताए, रिफ्लेक्ट करे कि अटेनमेंट ऑफ गोल्स एंड पर्पसेस यानी कि वो उद्देश्य और वो लक्ष्य कितने प्राप्त हुए हैं, यही असेसमेंट है। ओके, फिर ब्राउन ने कहा कि असेसमेंट रिफर्स टू ए रिलेटेड सीरीज ऑफ मेजर्स यूज्ड टू डिटरमाइन अ कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक व्यक्ति या समूह के व्यक्ति, व्यक्तियों का से यहाँ स्टूडेंट से मतलब है, के बारे में कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करना के लिए जितना आप सीरीज ऑफ मेजरमेंट करेंगे वो सब असेसमेंट है। फिर असेसमेंट और क्या है, गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, पहले तो हम गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन, फिर हम इंटरप्रेट करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, अर्थ देंगे अबाउट दी स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अटेनमेंट ऑफ लर्निंग गोल्स, विद्यार्थी ने अधिगम के उद्देश्यों में कितना प्राप्त किया है उसके लिए ये गैदरिंग और इंटरप्रेटिंग है। The process of collecting various information needed to come up with a piece of overall information that reflects the attainment of goals and purposes is referred to as assessment. ये बार बार हो गया कि हमको क्या करना है, विद्यार्थी ने कितना गोल को हासिल कर लिया है उसके लिए हम सूचना का एकत्रीकरण भी कर रहे हैं और सूचना का इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं। तो असेसमेंट इस तरह से क्या है, हर पार्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हर पार्ट में असेसमेंट लगा हुआ है। असेसमेंट ये आप इंस्ट्रक्शन से पहले हासिल कर सकते हैं कि क्या वस्तु स्थिति है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन और आफ्टर इंस्ट्रक्शन, हर समय इंस्ट्रक्शन असेसमेंट चल रहा है। द कंसेप्ट इस हिसाब से देखें तो आपको असेसमेंट का कंसेप्ट ब्रॉडर नजर आएगा इवेलुएशन से भी, लेकिन जनरली हमको लिटरेचर में लेखकों ने ये लिखा है कि मेजरमेंट से ब्रॉडर असेसमेंट है और असेसमेंट से ब्रॉडर इवेलुएशन है, तो हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे कि विच वन इज मोर ब्रॉडर, विच वन इज ब्रॉडर, है ना, लेकिन हम कंसेप्ट तो समझ सकते हैं कि असेसमेंट, देखिए इनके हिसाब से यहाँ हमको ये ठीक लग रहा है कि ब्रॉड क्यों है, क्योंकि उसने मेजरमेंट तो अपने आप में लिया ही है, वो इवेलुएट भी कर रहा है, इवेलुएट करने का इन द सेंस कि वो ये बता रहा है ना कि स्टूडेंट ने अपने गोल को कितना अचीव किया कितना नहीं, लेकिन अभी आगे आके आपको असेसमेंट और इवेलुएशन में अंतर समझ में आएगा कि बहुत एक जैसा है लेकिन फिर भी अंतर है। When assessment results, अब देखिए यही बात आपको समझ में आ जाएगी कि when assessment results are used to make decisions and come up with judgments, then evaluation takes place. देखिए सारा काम तो assessment ने किया है, measurement ने सिर्फ अंक दिए, assessment ने सारा measurement किया, उसकी gathering की, उसका collection किया, उसका interpretation किया और ये बताया कि ऐसा ऐसा है, student ने इतना इतना भाई पा लिया, इतने में वो कम है। लेकिन जब इसी रिजल्ट को आप इसलिए यूज करें कि आप स्टूडेंट के बारे में जजमेंट दे सकें, तो वही इवेलुएशन हो जाता है। यानी इवेलुएशन प्रोसेस, असेसमेंट और इवेलुएशन की एक ही है, बस गोल अलग अलग है। इवेलुएशन में आप ये बताते हैं, वैसे अभी अंतर में आगे बताऊंगी, कि जजमेंट देने की बात होती है तो वो इवेलुएशन हो जाता है और ओवरऑल इंफॉर्मेशन की बात होती है तो वो असेसमेंट रहता है। और असेसमेंट क्या है, assessments are also used to identify individual student weaknesses and strengths so that educators can provide specialized academic support, educational programming or social services. यानी assessment या आकलन इसलिए भी किया जाता है जिससे कि विद्यार्थी की कमजोरी कहाँ है, कौन से मामलों में वो कमजोर है ये पता चल जाए, उसकी विषय, उसकी पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ उसमें क्या है, मतलब पढ़ाई के मामले में, सो दैट जिससे क्या हो कि शिक्षकों को एक रास्ता पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे उसमें कमजोरी है या मतलब वीकनेस है या दिक्कत है, वहां पे हमको ज्यादा उसको बढ़िया से ट्रीट करना है और ये स्ट्रेंथ है तो उसको अगर हम अच्छे से होन करेंगे उसकी स्किल्स तो वो और बेहतर हो जाएगा। इस तरह से हम उसके लिए विशेषीकृत अकादमिक सहायता, शैक्षणिक प्रोग्राम या सोशल सर्विसेज का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और असेसमेंट इज ए प्रोसेस दैट इंक्लूड्स फोर बेसिक कंपोनेंट्स, वो बोल रहे हैं कि आकलन वो प्रक्रिया है जिसके चार बेसिक कंपोनेंट होते हैं। कौन-कौन से, मेजरिंग इंप्रूवमेंट ओवर टाइम, वो समय के सापेक्ष मेजर कर रहा है, मतलब ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, बिफोर इंस्ट्रक्शन, आफ्टर इंस्ट्रक्शन, इस तरह से। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू स्टडी, क्यों, क्योंकि हम उनको बताएंगे ना कि भाई यहाँ यहाँ तुम्हारे में कमी है तो हम उनको और बेहतर करेंगे कि इसमें और अच्छा करो तो और अच्छा कर पाओगे, तो हम उनको मोटिवेशन दे सकते हैं। इवेलुएटिंग द टीचिंग मेथड्स, जो टीचिंग मेथड्स है उनको इवेलुएट कर रहे हैं, क्यों, अच्छा इस पोर्शन को आपने ऐसे पढ़ाया है, यहाँ पे बच्चे को इतनी दिक्कत आ रही है, इसको ऐसे पढ़ाया, यहाँ कम दिक्कत आ रही है, इसका मतलब जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके मूल्यांकन, उनका मूल्यांकन भी इसका कॉम्पोनेंट है। एंड रैंकिंग द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज इन द होल ग्रुप इवेलुएशन, और पूरे ग्रुप का अगर इवेलुएशन कर रहे हैं तो उसमें विद्यार्थी की योग्यता को रैंक करना भी इसका कॉम्पोनेंट है।
अब आइए इवेल्युएशन पे. इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन इज अराइव्ड व्हेन द नेसेसरी मेजरमेंट एंड असेसमेंट हैज टेकन प्लेस, है ना. हमने मेजर कर लिया, मेजर करके असेसमेंट कर लिया, और असेसमेंट के बाद जब हम मूल्य अंकन करेंगे, देखिए साफ साफ मूल्यांकन का संधि विच्छेद क्या है, मूल्य का अंकन, यानी मूल्य तो इसमें आना ही आना है. मूल्य का मतलब कि हम बताएंगे तो मूल्यवान हो कि मूल्यवान नहीं, है ना. तो मूल्यांकन तब होता है जब मेजरमेंट और असेसमेंट हो चुका है. टू इवेलुएट वेदर अ स्टूडेंट विल बी रिटेन्ड और प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस वर केयरफुली असेस्ड एंड मेजर्ड सच एज द ग्रेड्स एंड कंडक्ट. ये पता लगाने के लिए कि विद्यार्थी उसी कक्षा में रहेगा या आप उसको अगली कक्षा में अगले स्तर पर प्रमोट कर देंगे, उसकी उन्नति कर देंगे, आपको विभिन्न जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है उनको ध्यान से मापना भी है, ध्यान से उनका आकलन भी करना है, चाहे उनका ग्रेड हो चाहे उनका कंडक्ट. According to Scriven 1967, evaluation is judging the worth or merit of a case, program, policies, processes, events and activities. यानी evaluation किसी भी चीज का हो सकता है, किसी घटना का, किसी कार्यक्रम का, किसी नीति का, किसी प्रक्रिया का, किसी activities या प्रक्रियाओं का. These objective judgments derived from evaluation enable stakeholders to make further decisions about the case, programs, policies, processes, events and activities. और ये जो objective judgment करने के बाद हम evaluate करते हैं, वो ये तय करता है कि उनके बारे में further decision लेने में, आगे के निर्णय लेने के लिए evaluation मदद करता है. And a good evaluation adheres to the four standards of accuracy, utility, feasibility and propriety. और अगर आपको ये तय करना है कि evaluation आपका बढ़िया है कि नहीं, तो उसके चार मानक हैं जिन पे वो खरा उतरना चाहिए. Accurate हो, सही हो, उसकी यूटिलिटी हो, उपयोगिता हो, उसकी फिजिबिलिटी हो, कार्य मतलब वो फिजिबल हो, किया जा सके, एंड प्रॉपराइटी माने उसका कोई औचित्य भी होना चाहिए. फिर असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का डिफरेंस देख लें, क्योंकि बहुत एक जैसा लग रहा है. तो द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डेटा फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस इज कॉल्ड असेसमेंट. असेसमेंट का औचित्य है, रैशनल है कि हमको डेटा को मतलब स्टूडेंट के मेजरमेंट को कलेक्ट करना है, रिव्यू करना है और यूज करना है उस डेटा को, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सके. जबकि अ प्रोसेस ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंड क्राइटेरिया एंड एविडेंस इज कॉल्ड इवेल्युएशन. जबकि इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं कि यही काम करते हैं, लेकिन उसके बाद हम कह देते हैं कि तुम इसी क्लास में रहोगे, अगली क्लास में जाओगे, जजमेंट पास करते हैं, वो इवेल्युएशन है. असेसमेंट का नेचर जो है वो डायग्नोस्टिक है, कि हम डायग्नोज करके बता रहे हैं यहाँ यहाँ स्टूडेंट की वीकनेसेस हैं, और ये उन एरिया में मतलब उन एरिया को आइडेंटिफाई करता है जहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. जबकि इवेल्युएशन जजमेंटल है. देखिए इवेल्युएशन में हम सुधार ही कोई गुंजाइश नहीं है, हम सिर्फ आपको ये बताएंगे अब आप इस कक्षा में ही रहेंगे या आप इस कक्षा से अलग ऊपर जाने के लिए प्रमोट हो गए हैं. तो इसका उद्देश्य सिर्फ ओवरऑल ग्रेड देना है, जबकि असेसमेंट का उद्देश्य डायग्नोज करके इम्प्रूवमेंट करना है. फिर असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड वेज टू एनहांस परफॉर्मेंस इन फ्यूचर, एज अगेंस्ट दिस इवेल्युएशन असर्टेन वेदर दी स्टैंडर्ड्स आर मेट और नॉट. असेसमेंट हमको प्रतिपुष्टि देता है परफॉर्मेंस और बताता है कि यहाँ यहाँ भविष्य में अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं, जबकि मूल्यांकन ये बताता है कि आपने जो जो आपके स्टैंडर्ड्स थे उनको पा लिया है या आप नहीं पाने में अक्षम रहे हैं, सक्षम नहीं रहे हैं. और जो असेसमेंट का पर्पस है वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का, समेटिव है तो साफ साफ दिख रहा है. और असेसमेंट इज कंसर्न विद प्रोसेस व्हाइल इवेल्युएशन फोकसेस ऑन प्रोडक्ट. असेसमेंट जो है वो प्रक्रिया से उसका ज्यादा कंसर्न है, जबकि इवेल्युएशन उत्पाद पर फोकस करता है. तो आई थिंक अब असेसमेंट और इवेल्युएशन को आप बेहतर समझ पाए होंगे. और एट लास्ट हम एक इंटर रिलेशनशिप देख लें मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन का. तो मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है? इट इन्वॉल्व्स द असाइनिंग नंबर्स और स्कोर्स टू एन एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन इन सच अ वे दैट द नंबर्स डिस्क्राइब द डिग्री टू व्हिच द पर्सन पजेस द एट्रीब्यूट. इसका मतलब मापन ये है कि हम किसी घटना या किसी व्यक्ति की किसी विशेषता को नंबर या स्कोर देंगे, और इस तरीके से देंगे ताकि वो नंबर उस सीमा तक बता पाए कि उस व्यक्ति ने उस एट्रीब्यूट को कितना धारण किया है. असेसमेंट क्या है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन और एविडेंस. हम एकत्रित कर रहे हैं, सूचना एकत्रित कर रहे हैं, एविडेंस एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि हम व्यक्ति के बारे में सही सही जानकारी हासिल कर सके. और इवेल्युएशन क्या है, द यूज ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन और एविडेंस टू मेक जजमेंट्स. यानी कि जो इवेल्युएशन है वो असेसमेंट पे ही बेस्ड है. इवेल्युएशन का बैकबोन असेसमेंट है. असेसमेंट वहां तक लाके छोड़ देता है और इवेल्युएशन उसके बाद ये बता देता है कि ठीक है आप जो हमको हमारे पास जो डेटा आया है जो असेसमेंट के उसके आधार पर हम आपको बता देंगे कि आप अगली क्लास में जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपका कितना ग्रेड बनेगा, ये सब. असेसमेंट इज ए फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी. असेसमेंट में हम ढूंढ रहे हैं,
दैट डिस्क्राइब कंडीशंस एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे उस व्यक्ति की, उस स्टूडेंट की लर्निंग कंडीशन क्या है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए फैक्ट ढूंढता है. जबकि असेसमेंट का डोमेन ये है, नहीं असेसमेंट ही चल रहा है, इट इज द डोमेन ऑफ असेसमेंट टू ऑर्गेनाइज द मेजरमेंट डेटा इनटू इंटरप्रिटेबल डेटा, यानी कि जो आकलन है उसका आयाम इस जगह तक फैला हुआ है कि वो जो मेजरमेंट से डेटा निकल के आया उसको ऑर्गेनाइज करके उस डेटा को अर्थ योग्य बनाता है, उस डेटा को अर्थ देता है. और इवेल्युएशन क्या करता है, वो बस उसने जो असेसमेंट से हमको मिला उसमें हमने वैल्यू जजमेंट ऐड कर दिया, वैल्यू जजमेंट ऐड करके बता दिया अच्छा या आप इतना अगर आपके पास अंक है तो आपने स्टैंडर्ड्स को पा लिया है, आप अगले क्लास में चले जाएंगे, अगर उससे कम है तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रमोट इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, it is concerned with the application of its findings and implies some judgment of the effectiveness, social utility or desirability of a product, progress or process in terms of carefully defined and agreed upon objectives or values. यानी कि आकलन का, sorry, मूल्यांकन का लेना देना किससे है, कि जो findings और आई हैं उनके applications है जिससे हम किसी judgment पे पहुंच सकें कि वो जो भी आपका product था, process था या social मतलब कि घटना थी या class की स्थिति थी, student की learning की स्थिति थी, वो कितना effective है, social utility उसकी कितनी है और कितना वो desirable वांछनीय है. और ये सब किस पे based होगा, उन बेस्ड होगा जो ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज हमको दिए गए हैं उस पर वो बेस करता है कि नहीं. तो इस तरह से जाके मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन की कहानी एजुकेशन में है. इसीलिए आप देखिए असेसमेंट और इवैल्यूएशन इतने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि आप देखिए जब फॉर्मेटिव आपको कहीं असेसमेंट मिलता होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, कहीं आपको मिलता होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, है ना. और जनरली हम लोग चूंकि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ते हैं तो असेसमेंट को थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो असेसमेंट बीच में रह जाता है. जबकि असेसमेंट सब एकत्रित करके, सारी सूचना का एकत्रीकरण करके रखता है, डायग्नोज करके बताता है यहाँ यहाँ कमी है, यहाँ सुधार है. इवेल्युएशन का काम सिर्फ इतना है कि जो असेसमेंट करके लाया है उसके बाद हम उसको अंक दे देंगे, यू आर वर्दी और नॉट, यू आर वैल्यूएबल और नॉट, यू हैव मेट द सर्टेन स्टैंडर्ड्स और नॉट. आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियरर. ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.